उल्लू खरीद फिरोख्त के नाम पर कहीं आपको उल्लू ना बना दे। एक उल्लू गैंग सक्रिय है, इस गैंग से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। इस गैंग के सदस्य उल्लू की खरीद फरोख्त के नाम पर कहीं आपको उल्लू ना बना दे। दरअसल इस गिरोह से जुड़े लोग उल्लू खरीदने बेचने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। उल्लू की जगह कबूतर थमा जाते हैं। कालेडारा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर उल्लू गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हवेंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी जगदीश रेगर ने सोमवार को उल्लू बेचने और खरीदने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में 5 लाख ठगी होने का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर 24 घंटे में गैंग में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शायर बावरिया भावर बावरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 4,30,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। 9 अगस्त को जगदीश रेगर निवासी कालाडेरा ने थाना कालाडेरा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम सायरमल बावरिया है, इसने उल्लू देने के नाम पर इससे 5 लाख रुपए जो हड़प लिए और उसे ये प्रलोभन दिया गया था कि 5 लाख के जो है उल्लू ये 90 लाख में ये बिकेगा तो आपको 85 लाख का फायदा होगा। तो इस प्रलोभन में आकर जगदीश रेगर ने इसको आरोपी सायरमल बावरिया और उसके सहयोगी भंवर को 5 लाख रुपए दे दिए और ये 5 लाख रुपए लेकर दोनों फरार हो गए। तो इसके बाद इस घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्यालय को इस घटना के इस आरोपियों को पकड़ने का और वारदात का खुलासा करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में मेरे सुपरविजन में थानाधिकारी कालाडेरा हरविंदर सिंह की टीम बनाई गई थी और इस टीम में साइबर टीम के कांस्टेबल सलाउद्दीन का भी अच्छा योगदान रहा और इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सायरमल बावरिया और उसके सहयोगी भंवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक परिवादी जगदीश रेगर की शायर बावड़िया से जानकारी हुई। शायर ने जगदीश को सस्ते दामों में उल्लू खरीदकर 90 लाख में बेचने का झांसा देकर विश्वास में लिया, पैसों की व्यवस्था करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी जगदीश रेगर आरोपी के झांसे में आ गया और किसी अन्य व्यक्ति से 5 लाख रुपए उधार लेकर आरोपी को दे दिए। आरोपी जगदीश को साथ लेकर उल्लू खरीदने के लिए जालसू गांव ले गया, जहां पहले से ही एक आदमी खड़ा हुआ था। आदमी ने कपड़े में एक जानवर दिखाया और उल्लू की तरह ही लग रहा था। इस पर परिवादी जगदीश ने उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए देकर उल्लू खरीद लिया। अब शायर बावरिया ने भीलपुरा के जंगल में उल्लू को बेचने की बात कही, वहां खरीदार आएगा। भीलपुरा में ना तो खरीदार आया और ना ही आरोपी शायर आया। बाद में शायर ने मोबाइल बंद कर लिया। इस पर परिवार ने कालाडेरा थाने में ठगी का मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुट गई है। पूछताछ में इस तरह की कई वारदातें खुलने की संभावनाएं हैं।